उधर जाना मना है, इधर भूत इधर भूत हो रहे हैं। क्या है इधर? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं ऋषि सिंह व्लॉग्स। मैं अभी सो के उठा हूं, तो बात ये थी ना कि मैंने सोचा लाओ अपने होटल के बाहर का नज़ारे दिखा दूं आपको, तो कैमरा बैक करके दिखाता हूं, बिकॉज तब आपको ज्यादा समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा, है ना दोस्तों। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये है अपने होटल के बाहर का नज़ारा। मतलब मैं खिड़की पे खड़ा हूँ अभी और यहाँ से भाई शुरू होता है। ये सारे मतलब लगभग ना जितने आपको देख रहे हैं सारे होटल ही है, बिकॉज यहाँ पे ना होटल वाली एक लेन टाइप की है पोखरा में भाई। ये वाला तगड़ा है, मतलब सही लग रहा। और इधर ना इधर साइड एक उसको आगे से दिख नहीं रहा था, बट वो भी अच्छा था। तो ये सीन है, ये भाई नीचे की गली है अपनी, यहीं से अपन बाहर आएंगे तो यहीं कहीं नीचे अपनी गाड़ी खड़ी होगी, है ना। अभी ये नीचे ये जो लगी है झोपड़ी ऐसी, तो नहीं समझ में आ रही। ये भाई इसका पता नहीं क्या, ये अभी ये पता नहीं काहे का पेड़ है साला, बहुत दिखा हमको यहाँ पे, इसमें कांटे वाटे बहुत है। और तो बाकी कुछ नहीं समझ में आया, बाकी ठीक लग रहा है देखने में। यही है भाई बाहर का व्यू। तो अभी क्या करना है, अभी बढ़िया यार, अभी तो मैं सो के उठा हूँ, ठीक है। फिर मैंने वीडियो अपलोड किया। और दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, अगर किसी के कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँ तो भाई आप समझ जाना, बिकॉज मैं नेपाल में हूँ तो यहाँ पे सिम तो काम करेगी नहीं। अभी जब तक मैं होटल पे हूँ तब तक काम कर रही है, अदरवाइज फिर नहीं करेगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, मतलब सिम क्या काम कर रही है, यहाँ पे वाईफाई लगा है तो वाईफाई कनेक्ट है फोन से, ठीक है दोस्तों। तो मतलब मैं सबके जवाब दूंगा, बट ना आने के बाद दे दूंगा, अगर नहीं दे पाता हूँ तो ठीक है, गलती से कोई रह जाता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी सबसे पहले अपन को नहाना है, और नहा के बढ़िया तैयार वैयार होके फिर यार यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सीधा नहाने भाई। ये है बाथरूम, दिखाऊँ बाथरूम क्या करेंगे देख के, आगे नहीं तो होता है वहां पे, है ना। छोड़िए मत देखिए, रूम बाकी सही है, एसी की जरूरत है नहीं यहाँ पे, बाकी लगा तो है लेकिन चलाने क्योंकि जरूरत ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं सीधा नहाने और फिर देखते हैं कि पोखरा का आज का दिन कैसा रहेगा, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि तैयार तो मैं हो ही चुका हूँ, पहले तो आप देखिए मैं कैसा लग रहा हूँ। ये देखिए ये भाई साहब, जैसे सीरियल में नहीं वो नीचे से लेके ऊपर तक दिखाते हैं, फिर धूमता ना 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 धूमता ना 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 ये वाली टोन बजती है, वैसे धूमता ना 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 धूमता ना 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 धूमता ना 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 इसकी ऐसी तैसी। तो भाई कैसे लग रहा है पहले तो ये बताना भाई कमेंट में। और इसके अलावा ना तैयार वैयार होके भाई अब चलते हैं नीचे और देखते हैं कुछ खाने पीने का सीन, और खाने पीने के बाद क्योंकि भाई भूख लगी है, और उसके बाद फिर देखते हैं चल के पोखरा कैसा है। मतलब यार कल का दिन तो उतना अच्छा नहीं गया था, बिकॉज मतलब रास्ता था तो उतना मजा नहीं आया। मतलब पहाड़ी वाले एरिया में यार क्या ही मजा आएगा, जहाँ पे 8 किलोमीटर सॉरी 8 घंटे लग 4 घंटे लगने में 8 घंटे लग रहे थे, है ना। तो ये सीन था। खैर आज देखते हैं क्या सीन रहेगा, और आज अगर अच्छा दिन गया तो भाई मतलब सही रहेगा फिर, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं सीधा नीचे और देखते हैं कुछ खाने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हर दुकान में तो मिलेगी आपको दारू, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये देखिए हर जगह पे दारू अवेलेबल है, देखिए कि नहीं देखिए, बैक कैमरे से दिखाएं क्या। तो ये है दोस्तों अपने नेपाल के रेस्टोरेंट, जिसको रेस्टोरेंट बोलते हैं भैया, रेस्टोरेंट। और ये दारू भाई हर जगह मिलेगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने नेपाल में पेट्रोल का प्राइस, जो कि 178 पॉइंट समथिंग है, तो मतलब 178 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल, समझ सकते हैं आप भाई। सो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं डेविड पॉल, तगड़ा है, कैसे मैं दिखाता हूँ। बैक कैमरे दिखा रहा हूँ भाई, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि पैसे में आग लगानी तो आप हर जगह जा सकते हैं, बाकी यहाँ तो नहीं है ना भैया, मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब ज़्यादा ज़्यादा सी चीज़ें हैं, फोटो में तो देख के बहुत तगड़ी लग रही है, लो भैया पीछे इसकी फ़ोटो देख लोगे आप तो लोगों का लगेगा कि चले ही तुरंत, ये बस यही है, बहुत है, समझे समझ जाएंगे। दोस्तों हम लोग ना आ चुके हैं महेंद्र गुफा, और महेंद्र गुफा के अंदर से है कुछ पता नहीं क्या है, मतलब देख के बताएंगे।
अपने मिल चुके हैं बिहार वाले भैया, जो कि पता है, जो कि नेपाल के अंदर कमला पसंद दे रहे हैं। भाई देख रहे हो भाई, कभी भी आओ कमला पसंद चाहिए हो ना, भैया से संपर्क करो, महेंद्र गुफा के आसपास निकलेंगे। बेहतरीन, देखो भाई दिलवाग और क्या कमला पसंद और विमल, अरे गजब जुआ केसरी, दाने दाने में केसर का दम भैया। फ्रेंड्स ये है अपनी महेंद्र केव और महेंद्र गुफा, और अभी चलते हैं ना सीधे अंदर और देखते हैं कि महेंद्र गुफा कैसी है अंदर से। टिकट इसका कितना लिया भैया ने, कितने का लिया है इसका टिकट? 80 रुपये के 3 टिकट है भाई। ये भाई टिकट है इसका, और फिर यहाँ जाके बताएंगे भाई यहाँ आने लायक है कि नहीं है, है बाकी कुछ नहीं, पैसे की बर्बादी कर रहे हैं भैया भयंकर, है ना। चलो आओ, आइए भाभी चलते हैं। अभी बनी तो नीचे की तरफ है मेरा ना, हाँ बहुत सुंदर कैमरा, जबकि 2 साल से ऊपर का फोन हो गया भाभी। हाँ भाई वीडियो को मैं कट नहीं करूँगा और सीधे यहीं से अपन लोग चलते हैं। भैया कैसा लग रहा? बढ़िया, ठंड है। भैया लाइट जलानी पड़ेगी भैया क्या? जलाओ, मेरे पास दूसरा फोन नहीं है, आपके फोन पे जलाइएगा। ओके भैया देखो अंधेरा शुरू हो गया, एक बार बाहर से दिखाएं। देखो ये जीने हैं अपने, यहाँ चढ़ गया फिर ये गुफा से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और भाई अंदर चलते हैं, और फ्लैश हम लोगों ने जला लिया। हाँ पानी ऊपर से पानी गिर रहा है, अभी मेरे मुंह पे आया, ये क्या है भैया? अगर भैया ये नीचे इसका पत्थर वत्थर आ जाए, हम लोग गए। सही बात है। ओबे भैया मेरा चेहरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बैक कैमरे से बना है क्या? बैक कैमरे से बस इतनी बड़ी है क्या गुफा है कि क्या है? भैया यहाँ नहीं उधर जाना मना, इधर भूत उधर भूत हो रहे क्या है? इधर भूत नहीं है, भूत होगा भूत से लड़ा जाएगा। भैया छोड़िए ना, चलते हैं वापस। अरे यार चलो, अरे हैं तो जा तो रहे लोग, जा सकते होंगे, चलते ही हैं। दिख रहा है? दिख नहीं रहा यार कुछ, आराम से रखना भैया। गीला है भाभी? यार यहाँ क्या ही है गुफा के अंदर ना भाई, पूजा हो रही है, भगवान जी हैं अंदर, वो भाभी पूजा करवा रही हैं। भैया आपने पूजा करवा के आए अभी? भैया पूजा कर ली आपने? कर ली। भगवान जी हैं मतलब भूत भूत नहीं होंगे अंदर? थोड़ा लाइट दिखा नीचे भैया, ये अच्छा था भैया। भैया ऐसे नहीं पकड़िएगा, आगे वाले हाथ में कुछ है मेरे, ये आगे ये, अब ये रखिए। आइए चले, ये अंदर भूत ऊत नहीं मिला, अंदर पुजारी थे तो भगवान थे, हम लोग निकल आए बाहर। मतलब ये पहली ऐसी जगह थी जो अच्छी थी। हाँ चित्रकूट में ऐसी बनी हुई है क्या? अच्छा सही है। फ्रेंड्स पता है अभी ना हम लोग आ चुके हैं विंध्यवासिनी के मंदिर, जो कि ये प्रसाद लिया भाई तगड़ा, और ये प्रसाद है 250 रुपये का, ठीक है। और ये पीछे क्या है? ये पीछे मतलब मैं लिखा हुआ है धर्म संघ बुद्ध विहार, ठीक है। और ये पीछे गार्डन है, और मंदिर ना आगे की तरफ है, तो अभी चलते हैं मंदिर की तरफ, फिर देखते हैं कि मंदिर कैसा है, ठीक है दोस्तों। और क्या भाई, गुफा पुरानी वाली ना तगड़ी थी, उसके पहले एक जगह और गए थे वहाँ पर गुफा थी लेकिन वहाँ गया नहीं, है ना। तो ये सीन है, ये है विंध्यवासिनी मंदिर जाने का रास्ता, देख रहे हैं भाई सीढ़ियाँ ही हैं, तो सारी तो चढ़ के दिखाएंगे नहीं, तो भाई पहले ना चढ़ जाते हैं फिर आगे का दिखाते हैं भाई, वैसे जीने का ये सीन है। ये है, और ये बगल में बुद्ध भगवान का है कुछ मंदिर होगा, उसके अंदर तो हम नहीं गए, भैया भाभी गए थे, तो बाकी इसके अंदर देखते हैं, ऊपर चलते हैं फिर देखते हैं विंध्यवासिनी मंदिर मतलब माता रानी का मंदिर कैसा है, ठीक है। ये है अपना विंध्यवासिनी माता का मंदिर, देख सकते हैं आप कितना ही अच्छा है। और आगे चलते हैं तो ये मंदिर है पूरा, ये मतलब है ना, ये भाई ये चारों तरफ का, ये पीछे अपना मंदिर, और ये सामने कितना है, श्री राधा कृष्ण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान सीताराम, शायद मतलब 2-3 भगवान के हैं। फिर ये वाला देखते हैं, ये वाला राधा रानी माता का मंदिर है, अंदर चलें क्या?
अंदर शायद लेके नहीं जाना होगा कि लेके जाना है। जय हो। ये भाई देखिए, ये तीन भगवान है भाई। चलते हैं बाहर। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप नेपाल का नज़ारा मंदिर के ऊपर से भाई, मतलब सामने पहाड़, फिर इधर मकान बिल्कुल। अबे वो आता है ना, मतलब सीरियल डोरेमोन वाला, उसमें नहीं वो छोटे छोटे घर बने रहते हैं अलग अलग कलर के, यहाँ घर वैसे ही बने हुए हैं भाई। ये अपना मंदिर, चलो चलते हैं यार यहाँ से अब, ठीक है। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आ चुका हूँ होटल के रूम में, और इसी के साथ ना व्लॉग को करते हैं एंड, बिकॉज व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि आपके पास ना अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।